एवरेज वगैरह कॉस्टिंग वगैरह सबसे लास्ट में, तो पूरी वीडियो के साथ बने रही है। इस एसयूवी में होता है ना कि पीछे सबसे पीछे जाना है। इनके ऊपर जो सबसे बड़ा सवाल है ना, वो सब आप लोग जानना चाह रहे हो जी। एक बार दिखा देते हैं। Yes. जैसे ये अपनी गाड़ी अभी आपने हाई स्पीड कितनी चला रखी है, तो कुछ फील आ रहा है कि बहुत ही महंगी सी गाड़ी में बैठे हैं, और जानना चाहते हैं कि मस्टैग के अंदर भाई प्रोफाइल कितनी होती है, कितना एलो आता है भाई। जैसे तो अभी फिलहाल गाड़ी का प्राइसिंग क्या हुआ है इंडिया में, इस गाड़ी की जो सबसे ज्यादा खास बात है आपको वो क्या लगती है? अपना भाई ये है रनिंग हॉर्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ऋषभ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ चौधरी ब्लॉग्स पर। तो आज की वीडियो आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि अपने चैनल पे कोई ऐसी चीज दिखा दो जो कि और चैनल पे हो तो सही, लेकिन अपने चैनल पे कुछ यूनिक दिखा दो। तो अपने चैनल पे आज ऐसे ही कुछ यूनिक लाए हैं, और यूनिक क्या है वो एक बार इधर नजर। तो भाई ये है अपना 5.0 V8 इंजन के साथ अपनी मस्टैंग। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त मेरे चाह रहे थे कि भाई अपने चैनल पे कोई प्यारी सी सुपरकार दिखा दो, तो ये मैं आज सुपरकार दिखाने वाला हूँ। और गाड़ी के ओनर है अपने अमित यादव भाई। कैसे हो जी? बढ़िया भाई, बढ़िया। तो भाई पूरा रिव्यू कराएंगे आज अमित भाई हमारे साथ, सब कुछ बताएंगे गाड़ी के अंदर कैसे कहाँ से लिए, प्री ओल्ड है क्या है, कौन सा पेट्रोल डलता है गाड़ी के अंदर, क्या क्या होता है, पूरा सब कुछ बता देंगे। तो जैसा भाई आप सब लोगों को बताया यार, मस्टैंग जो है अपनी अभी तो करंट में भाई बंद हो गई है, बंद हो गई, जो कंपनी है वो चली गई है, बाहर चली गई है। तो ये जैसा आप शुरू करते हैं, सबसे पहले आप जो देख रहे हो भाई लोगो अपना भाई, ये है रनिंग हॉर्स। तो ये इसके बारे में थोड़ी सी बताइए, मतलब क्या है इसके लोगों के बारे में थोड़ी कहानी बताइए। इसकी बैजिंग कहीं भी फोर्ड की पूरे उसमें बैजिंग ही नहीं है, बैजिंग फोर्ड की एक ही बैजिंग है, वो है शीशे के ऊपर, शीशे के ऊपर, वो भी बिल्कुल दिखता नहीं है, पता नहीं लगता उसके अंदर। बिल्कुल सही बात है। तो इन्होंने इसके कहीं भी नहीं दिया। मस्टैंग अपना अपने ब्रांड है, मतलब लोग पीछे से ये भी कहते हैं बहुत लोग की फरारी चल रही है। हाँ, फिर आगे जाके कहते हैं ये तो यार उसकी है, फास्ट एंड फ्यूरियस की गाड़ी, फास्ट एंड फ्यूरियस वाली गाड़ी है, बिल्कुल सही बात है। फास्ट एंड फ्यूरियस में वो टोरंटो चलाता है, उसको उठती है वो गाड़ी, जी जी। तो सब उसी को देख के रिव्यू करते हैं कि वो वाली गाड़ी है, जब सब रिकॉल करते हैं। तो वही है, मतलब जो उसी के लिए ये अपना जो रनिंग हॉर्स देख रहे हो, ये इसका मेन लोगो है मस्टैंग का। हाँ, ये बहुत ज्यादा फेमस है, बिल्कुल सही बात है। तो अपना अब बात करते हैं, ये जो अपनी मस्टैंग है ये कौन सा मॉडल रहने वाली है? ये इंडिया में आई थी 2017 में। अच्छा, 2017 से यही वाला मॉडल चल रहा है इंडिया में, और दूसरा मॉडल आया नहीं है। सही बात है। तो अपना ये कौन सा मॉडल है? ये 2019 रजिस्टर्ड मॉडल है। तो अपना ये जो फोर्ड मस्टैंग है ये 2019 मॉडल है। यहाँ पर ना V8 बोलते हैं इसको, V8। सबसे पहले हमारे जो भाई लोग हैं वो सब जानना चाहेंगे कि जो V8 होता है वो होता क्या है V8 के अंदर? V8 का मतलब है कि आपने उसमें 8 सिलेंडर रहते हैं, चार्जर V की शेप में रहते हैं। अच्छा, V की शेप में होते हैं। तो ये है कि पेट्रोल खाने की मशीन है V8, मतलब पेट्रोल खाने की मशीन है भाई, बता दिया भाई ने। तो एवरेज वगैरह कॉस्टिंग वगैरह सबसे लास्ट में, तो पूरी वीडियो के साथ बने रहिए, स्किप मत करिए, वो मैं लास्ट में बताने वाला है, ठीक है जी। तो अभी अपना एक वॉक अराउंड लेते हैं। सबसे पहले जो इस गाड़ी की जो सबसे ज्यादा खास बात है आपको वो क्या लगती है? सबसे बढ़िया इसका इंप्रेशन है, मतलब कहीं भी जाओ आप लोग इसको देखेंगे। जी, इसके कॉस्ट की गाड़ी कोई भी ले लो, तुम टेस्ट सुपर ही गाड़ी ले लो, पर कोई नहीं देखा, चाहे आप जी वैगन ले लो, बिल्कुल अपना अलग ही कुछ रुतवा लगता है इस गाड़ी को चलाने। बहुत लोग फरारी भी कहते हैं, तो अच्छा सा लगता है कि फरारी भी कह रहे हैं इसको। बिल्कुल सही बात है। तो जो अपनी मस्टैंग है फोर्ड मस्टैंग, ये आपने प्री ओन लिया या फिर कैसे? ये तो प्री ओन लिया, क्योंकि मैंने अभी लिया है रिसेंटली, 6 महीने हो गए मुझे चले हुए। तो वैसे बात करी जाए तो अभी मतलब करंट में इस गाड़ी का, मैंने जैसे आपको बताया फोर्ड मस्टैंग चली गई है, मतलब फोर्ड चली गई यहाँ से, तो अभी फिलहाल गाड़ी का प्राइसिंग क्या होगा? इंडिया में लास्ट जो इनको रजिस्टर्ड हुई थी मस्टैंग 2020 में हुई थी, उसकी कॉस्ट 80 लाख 85 लाख की थी। अच्छा, अब तो प्री ओन्ड के भी रेट इतने ही हो रहे हैं। अच्छा, मतलब नई 80 से 85 लाख की आती थी, और अब भी जो रेट चल रहे हैं वो इतने ही चल रहे हैं, 2020 में आती थी। अब पर जैसे मैंने 2022 में लिए, तो प्री ओन्ड के रेट भी ऐसे ही है, मैंने 68 में लिए। क्या बात है। तो भाई 68 लाख की भाई अपनी गाड़ी है ये भाई, 68 लाख में तो बहुत कुछ आ जाता है, इतनी भाई गाड़ी लेके चल रहे हैं, तो थोड़ा सा मतलब कुछ तो बात होगी गाड़ी के अंदर जो लेके चल रहे हैं। बट इसमें ये है कि एसेट है, जैसे अगर तुम और कोई गाड़ी लेते हो BMW या लग्जरी गाड़ी लेते हो, उसका रेट गिरना भाई, डेप्रिसिएशन अपना एसेट होता है, डेप्रिसिएशन नहीं है, मगर ऐसा आज भी देखूंगा तो 68 में जाएगी, 68 में जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो जैसा अपने भाई ने बताया कि ये जो गाड़ी है भाई, इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि जैसे भाई सोना खरीद लो ना, जैसे कहीं इन्वेस्ट करना हो तो सोना वगैरह खरीद लेते हैं, तो भाई यही इस तरीके से कुछ भाई अपनी ये गाड़ी है अपनी फोर्ड मस्टैंग, मतलब इसका पैसा बढ़ेगा खरीदने के बाद, इसका जितनी पुरानी होगी उतना पैसा बढ़ने वाला है। सबसे अच्छी बात है, अभी आती नहीं है, पर इसके शौकीन बहुत हैं, बहुत ज्यादा शौकीन है। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं व्हील्स वगैरह के बारे में। तो जैसा अपनी व्हील्स की प्रोफाइल है वो भाई अपना 19 इंचेस का अपना भाई अलॉय व्हील होता है गाड़ी का, और जो प्रोफाइल है वो 275/40R19R19। तो भाई अपनी 19 इंच की अलॉय व्हील है, 275/40 की अपनी प्रोफाइल रहती है भाई मस्टैंग के अंदर। जैसे बहुत लोग जानना चाहते हैं कि मस्टैंग के अंदर भाई प्रोफाइल कितनी होती है, कितना एलॉय आता है भाई,
जैसे हम लगवाते हैं ना स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर, मतलब ये तो खैर कहीं भी लेवल की इसमें गाड़ी बोलना ही नहीं चाहिए था, मतलब इतनी बड़ी गाड़ी के साथ। तो बहुत लोग बोलते हैं कि भाई 22 लगवा लिए, वो लगवा लिए। तो मस्टैंग के अंदर जो अलॉय आता है अपना, वो अपना 19 इंच का अलॉय आता है, जिसमें जो पीछे का जो टायर होता है वो चौड़ा होता है, क्योंकि इसमें पावर होती है पीछे। हाँ, इसकी बॉडी लाइन भी पीछे आगे से थोड़ी चौड़ी होती है। हाँ, तो पूरा जो इसके वो एरोडायनामिक जो है, वो भाई शीशा देख लो चाहे पूरी बॉडी देख लो, वो ना आपको ऐसा मिलेगा, जिसकी वजह से क्या है ना, गाड़ी हवा को काटती जाती है ना भाई, हवा को काटती है और भाई अपना जब ही बचती है। तो अभी फिलहाल एक बात यहाँ पे पूछ लेते हैं, जैसे ये अपनी गाड़ी अभी आपने हाई स्पीड कितनी चला रखी है? मैंने हाई स्पीड वैसे ज्यादा चलाई नहीं, क्योंकि मैं अभी तक एक्सप्रेस में, पर 140 के आसपास मैंने 140। अरे यार 140 तो मैं अपनी होंडा सिटी वगैरह उससे ऊपर नहीं चलाई। तो अभी वैसे इसकी टॉप स्पीड क्या है गाड़ी की? टॉप स्पीड लोगों ने, जैसे मेरे एक फ्रेंड उसके पास भी, उसने 220 तक चलाई हुई है। 220 तक? 260 है इसमें टॉप स्पीड। तो भाई लोग, अगर बहुत सारे लोग जानना चाहते हो, मेरे जैसे भाई है जो पहली बार सुपर कार, मतलब देख तो सब लेते हैं लेकिन रिव्यू बहुत कम करते हैं, तो भाई अपनी जो ये गाड़ी है इसके अंदर 260 तक टॉप स्पीड आती है, और भाई ने जो अपनी चलाई है अभी तक 140, तो इससे ये पता लगता है ये जो गाड़ी होती है ना ज्यादा भगाते नहीं है लोग, ये ना सिर्फ ज्यादातर होता है। हाँ, इसका मजा सिर्फ धीरे चलाने का, धीरे चलाने का है। इसका एग्जॉस्ट भी अभी मैं सुनाऊंगा भाई, एग्जॉस्ट में भी मजा है, तो धीरे चलाने का मजा है गाड़ी का भाई, धीरे चलाओ गाड़ी को, वो ज्यादा बेस्ट है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं भाई गाड़ी के अंदर फीचर कैसे हैं, क्या क्या है। तो भाई बैठने के बाद तो कुछ फील आ रहा है कि बहुत ही महंगी सी गाड़ी में बैठे हैं, और एक बार मैं थोड़ा कैबिन बिल्कुल बंद कर दूं तो यहाँ पर मेरे को यार कैबिन नॉइस तो नहीं आ रही बिल्कुल बाहर। हाँ, नॉइस कैंसिलेशन लगे हुए हैं इसमें, तो बाहर की आवाज तो अच्छा, नहीं आती, बाहर की आवाज बिल्कुल नहीं आती, के अपने एग्जॉस्ट की आवाज भी बहुत ही कम आती है भाई। एग्जॉस्ट अभी भाई ने भी वो सुनाऊंगा मैं आपको, लेकिन बहुत ही ज्यादा लाउड एग्जॉस्ट था गाड़ी का, और बहुत ही मजा आया भाई। गाड़ी क्या भाई, फोर्ड मस्टैंग अपनी गाड़ी भाई, बहुत मतलब मजा आ रहा है। पहली बार ही मैं बैठा भाई फोर्ड मस्टैंग, मैं रियली कुछ छूट की बोलूं तो भाई, जैसा आपने भी, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, मैं भी खुद पहली बार बैठा हूँ फोर्ड मस्टैंग के अंदर भाई, काफी मजा आ रहा है मेरे को तो। और अभी यहाँ पे एक बैजिंग देखोगे आप, जिसपे भाई इसका फोर्ड का, जैसे अपने भाई ने बताया था कि भाई फोर्ड का अपना खुद का एक ब्रांड है ये मस्टैंग। हाँ, ये फोर्ड को कहीं है ही नहीं। हाँ, फोर्ड का भाई अपना पूरा, तुम्हें पूरी गाड़ी पे ना कहीं भी फोर्ड का लोगो नहीं मिलेगा, लेकिन सिर्फ यहाँ पे लिखा होगा मस्टैंग सिंस 1964। तो ये कुछ भाई इस तरीके का अपना मस्टैंग के अंदर आ जाता है अपना इंटीरियर। बाकी बात करते हैं भाई क्या क्या फीचर यूज होते हैं, क्या क्या फीचर इसमें बिना फालतू के दिए हुए जो काम के नहीं है इसमें। जैसे कि ये 1964 है, इन्होंने जो ये बैजिंग लगाई है इसमें, हाँ? लगाई है कि जब से सेम इंटीरियर पे ही चल रही है, इन्होंने इंटीरियर ज्यादा चेंज करा ही नहीं है, ज्यादा चेंज नहीं करा, ज्यादा चेंज नहीं करा। अभी भी जो नया वो आया है बस, इसमें वो डिजिटल चेंज कर दिया, नई वाला जो बाहर आया उसमें बस सिर्फ डिजिटल करा है, उसके अलावा सब वैसे ही है, सब कुछ सेम सही है। बाकी अपना ये भी टच है नहीं है? ये टच है। अच्छा चलो, कम से कम ये तो टच दिया, मुझे तो लगा कि वो 1964 वाले है। इसमें सब चीजें मतलब पुराने हिसाब से, पर उसको डिजाइन पुराने के हिसाब से, पर मतलब जैसे आपको फीचर सही सारे हैं इसमें। फील मतलब नए के साथ, मतलब फील पुराने वाला है, पुराना वाला जो दिखे देखने में, लेकिन चलाने में मजा एकदम चलाने में। जैसे आप घेर नोब भी देखो, ये ऐसा है कि जैसे मतलब पता नहीं क्या, मतलब ऐसा आजकल लग्जरी गाड़ी में आता है, या तो लेदर रैप आएगा पूरा वैसा आएगा, कुछ अलग ही आता है। हाँ, बट इन्होंने अलग ही दिया हुआ है थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो बाकी बात करते हैं फीचर्स वगैरह के बारे में, इस गाड़ी का आपको कौन सा सबसे बेस्ट फीचर लगता है? इस गाड़ी का तो देखो सबसे बेस्ट फीचर है इसका एग्जॉस्ट, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। एग्जॉस्ट सुनाएंगे अभी, थोड़ा सा और वेट करो, एग्जॉस्ट सुनाएंगे ठीक है, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। वैसे और एक और चीज है कि फोर्ड के जो साउंड है वो म्यूजिक सिस्टम की साउंड है, जरूरत ही नहीं आपको कहीं से बाहर से टच कराने की, सबसे बेस्ट है कराने की। तो जैसे इसमें पीछे भी सीट्स है, पीछे भी मतलब फोर सीटर है ना ये सिर्फ इसमें तो आप सामान रख सकते हो, सामान रख सकते हो, तो मतलब पीछे बैठने को भी मतलब नहीं बनता, पीछे का मतलब नहीं है, बूट स्पेस है ही नहीं इस गाड़ी में, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे अपना कोई कहीं जा रहे हो ट्रेवल कर रहे हो तो अपना बैग वैग रख लिया ठीक है। तो अपना जैसे अगर सपोज टू भी अगर मुझे पीछे जाना है तो पीछे कैसे जाऊंगा मैं? पीछे तुम यहाँ से जाओगे, मतलब गेट खोलोगे फ्रंट के और फिर सीट को फोल्ड करोगे। आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा पीछे एक बार ना, अमित भाई मुझे बताओ पीछे कैसे जाना है इस गाड़ी के लिए? तो भाई पीछे भी मैं बैठ के जरूर दिखाऊंगा, लोग बाग पूछेंगे कि भाई पीछे बैठ के नहीं दिखाया तुमने। ये जैसे कि एसयूवी में होता है ना कि पीछे सबसे पीछे जाना है, तो अच्छा अच्छा सेम एसएल मतलब कन्वर्टेबल वाली सीट है अपनी, थोड़ा आगे पीछे करके अपना भाई, बाकी अपनी इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट्स वगैरह सब कुछ आ जाती है। वैसे बस इसमें एक बच्चा बैठ सकता है या सामान रखना भाई देख लो एक बार भाई, थोड़ा भाई का लैपटॉप हटाओ तो अपना भाई देखो, बस वही है इसमें ज्यादा स्पेस है नहीं, स्पेस है नहीं, वो खाली दिखा रखा है फोर सीटर है लेकिन है ये टू सीटर। बिल्कुल सही बात है। तो एक बार दोबारा से चलते हैं अंदर ना, मैं एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, एक तो ना इसका एक बार बैक कैमरा लगाओ, मुझे इसका बैक कैमरा देखना है क्योंकि ज्यादातर गाड़ी का बैक कैमरा बड़ा ही बेकार देते हैं। नहीं कैमरा तो इसका अच्छा है बैक का, नो डाउट। अभी एग्जॉस्ट तो हम लास्ट में सुनाने वाले हैं, तो अपना जैसा देखो भाई, बड़ी डिस्प्ले भाई है। इसका बैक कैमरा वाकई में फोर्ड मस्टैंग का बैक कैमरा काफी अच्छा है। तो भाई बंद कर दीजिए अभी फिलहाल, क्योंकि गाड़ी गर्मी इतनी ज्यादा छोड़ती है ना, बहुत ज्यादा। मतलब अभी हमने 2 मिनट के लिए अपने स्टूडियो में करी थी ना, इतनी ज्यादा गर्मी करती थी गाड़ी ना, बहुत ज्यादा इंजन बहुत ज्यादा गर्मी करता है जी।
तो अब बात कर लेते हैं अमित भाई, यहाँ पर ना मुझे एक चीज बताइए, इस गाड़ी के अंदर आपको, आपने हमने पॉजिटिव तो बता दिया हाँ। कि क्या अच्छा लगता है, अब हमारे भाई दोस्त सारे भाई जानना चाह रहे होंगे कि नेगेटिव क्या लगता है भाई। इसमें नेगेटिव एक तो ये है कि इसमें फ्रंट में सेंसर ही नहीं, जैसा आपने पहले बताया इसका आगे का बम्पर इतना हाँ, बड़ा है, बहुत ही ज्यादा हाँ। आगे तक है, तो बहुत बार आपको क्या लगता है कि देखना मतलब सेंसर से क्या होता है, आइडिया लग जाता है, आइडिया लग जाता है, बिल्कुल टच तो नहीं हो रही है, बट इसमें सेंसर ही नहीं है, तो वो बहुत ज्यादा मतलब इतनी बड़ी गाड़ी को चलाने के लिए सेंसर तो देने चाहिए, देने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो फ्रंट सेंसर से इसमें नहीं है। दूसरा कभी कभी इंटीरियर में ऐसा लगता है कि जैसे क्योंकि दूसरी लग्जरी गाड़ी चलाते हैं तो उसमें ऐसा फील आता है कि तुम अच्छी गाड़ी, क्योंकि उसमें पूरी एम्बियंस लाइट होती है, सब चीज होती है, सही बात है, तो इसमें ऐसा फील नहीं आता, अंदर ऐसा लगता है कि बिल्कुल काली है गाड़ी, काली रात गाड़ी। में तो लाइट वगैरह तो बाहर से भी इंस्टॉल करा सकते हैं, बाहर से तो कुछ भी करा सकते हैं, अपनी है ना, मतलब जो कंपनी ने दिया उसका मैं बता रहा हूँ कि ये चीज नेगेटिव है इसमें। वैसे तो फीचर्स देखो आप सारे हैं इसमें, जैसे कि इसमें सीट का एसी वेंट भी है, हाँ, तो एसी वेंट है, अभी मतलब चल रहा है हाँ, ठीक है, ये तो अब गाड़ियों में आने लगा, इस गाड़ी में इसमें तो पहले से है, पुराने तो इसके ये बटन्स भी ऐसे लगते हैं कि जैसे कुछ रॉकेट वॉकेट पायलट लगा रहे, बट ये सिर्फ मोड है ऐसे कि मतलब जैसे स्टीयरिंग, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो इसमें मोड्स कौन कौन से आते हैं, जैसे ये तो हो गया आपका ट्रैक्शन कंट्रोल, ट्रैक्शन नॉर्मल बटन नहीं है, ऐसे दिखाने के लिए ऐसा है, बट है तो दिखाने के लिए, जैसे पुरानी गाड़ी है, पुरानी गाड़ी है, तो वो अप डाउन वाला जो आता था, ठीक है, जैसे आपका जो होता है फोर इंडिकेटर्स वाला, वो ये चार इंडिकेटर चल जाते हैं, ठीक है ठीक है। इसके बाद ये स्टीयरिंग को अगर आपको टाइट करना है, नॉर्मल करना है या स्पोर्ट मोड पे करना है, वो है। उसके बाद ये मोड है, इसमें स्पोर्ट मोड है, नॉर्मल मोड है, उसके बाद जैसे बर्फ पे चलती है तो वो वाला मोड भी, क्योंकि बाहर फॉरेन वगैरह में अच्छा अच्छा भी चलाते, तो बर्फ पे भी आराम से चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो अभी यहाँ पे बात करी जाए तो अभी आपको गाड़ी के अंदर नेगेटिव क्या लगा, सिर्फ और सिर्फ अपना इसमें जो सेंसर नहीं, सेंसर इसका सेंसर मिसिंग है सबसे ज्यादा, वो और बिल्कुल, तो बिल्कुल, ग्राउंड क्लियरेंस तो वैसे कम है, बट ग्राउंड क्लियर इसकी एक खासियत है कि इसकी बॉडी लाइन बहुत अच्छी है, जैसे किसी की भी गाड़ी अगर आपका फ्रंट टायर ऊपर जाता है तो फिर वो पीछे की दब जाती है, बट इसकी बॉडी लाइन उड़ जाती है, उड़ जाती है, तो इसमें इतनी प्रॉब्लम होती नहीं है, तो इतनी जल्दी टच नहीं होती है, अगर बिल्कुल किसी ने देखा ही नहीं तो ही नीचे से टच होगी, टच होती है, बिल्कुल सही बात है। तो अपने जैसे भाई ने आप अपने पॉजिटिव नेगेटिव्स अपने बताए भाई ने, बाकी फीचर्स भाई को अच्छे लगे, बाकी अब बात करते हैं भाई, इतनी महंगी गाड़ी आने के बाद अपना भाई अपना कोई 80-90 लाख रुपए गाड़ी के अंदर खर्च कर रहा है, तो इसके अंदर मॉडिफिकेशन क्या क्या होती है? मॉडिफिकेशन तो इसमें लोग बहुत कुछ कराते हैं, पर मुझे लगता है कि ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ एक स्टीयरिंग इंस्टॉल कराया बाहर से, ये स्टीयरिंग चेंज है, हाँ ये स्टीयरिंग चेंज है, इसमें स्टीयरिंग में क्या है कि इसकी आरपीएम की अकॉर्डिंग लाइट जलती है, जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा भी रेव करूंगा जी, एक बार दिखा देते हैं, ये ऐसे लाइट जलती है कि आरपीएम जैसे चलता रहता है तो रेड भी लग जाता है, क्या बात है, तो मतलब फुल एग्जॉस्ट जैसे दिया जब अपना 5000 आरपीएम तक पहुंचेगा तो ये रेड हो जाता है, ठीक है। और ये जो डिस्प्ले, ये डिस्प्ले ये है कि आपकी स्पीड कितनी चल रही है, बस वो डिजिटल मीटर है, तो इसमें ऐसा कुछ ऐसा है नहीं कि आरपीएम कौन सा है, बिल्कुल सही बात है। तो मेन तो ये है कि रात में जब चला रहे हो तो तुम्हारी ये जो बिप बिप करती है तो बहुत अच्छा लगता है, तो मतलब लाइटिंग आती है तो वो काफी अच्छा एक अपना इम्पैक्ट अपना चलाने में यूजर एक्सपीरियंस अपना बनता है, यूजर एक्सपीरियंस बनता है, बिल्कुल। अब ना आप लोगों को गाने सुनाएंगे, उससे पहले अमित भाई ये बताइए गाड़ी के अंदर अपने टोटल फोर्ड मस्टैंग के अंदर स्पीकर कितने आते हैं? इसमें 12 स्पीकर है, ठीक है, 3 तो अपने फ्रंट में ही है, हाँ, तो भाई गाड़ी में टोटल 12 स्पीकर आते हैं भाई, 3 और 3 6 इधर हो गए और 6 पीछे, टोटल अपना 12 स्पीकर है विद प्रॉपरली भाई इसकी साउंड प्रोफाइल, भाई बहुत प्यारा सिस्टम लगा हुआ है गाड़ी के अंदर, मतलब कुछ कराने की अपग्रेड कराने की जरूरत नहीं, कुछ अपग्रेड कराने की जरूरत नहीं, कुछ टच कराने की जरूरत नहीं, आपको ऐसा लगेगा कि एमपी लग रहा है, बेस बहुत अच्छा आता है इसमें, बिल्कुल सही बात है। तो अब एक बार ना म्यूजिक सिस्टम सुना देते हैं कैसी आवाज है गाड़ी के अंदर, यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम वगैरह सुन लिया। अब एक बार गाड़ी बंद करते हैं, बाहर चल के ना एग्जॉस्ट सुनाते, बंद क्या करते हैं, अभी गाड़ी ऑन है तो एग्जॉस्ट एक बार सुना देते हैं, बाहर चलते हैं एक बार। तो आप वो बता रहे थे ना आपने इसमें एग्जॉस्ट में भी कुछ काम करा रखा है, वो भी बता दीजिए थोड़ा सा। एग्जॉस्ट में इसमें बाहर से कस्टमाइज है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक लगा है कि उसमें आप साउंड ज्यादा करता है और कम भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, तो एक बार ना सुनाते हैं। तो भाई एग्जॉस्ट अपना एक बार एग्जॉस्ट दिखाता हूँ, चला दीजिए भाई, लाउड हो गया भाई सर में, मतलब बाहर चला जाए तो मजे खड़ा बाहर चले जाते हैं तो फिर इतना पता नहीं चलता, बट ये बंद है ना तो यहाँ पे ज्यादा साउंड ज्यादा ऐसा लग रहा है कि बुलेट दो तीन बुलेट लगा दियो, बिल्कुल सही है। तो मतलब इतना ज्यादा लाउड है ना भाई, बहुत ज्यादा मजेदार है, तो मतलब पब्लिक रिएक्शन इससे तो काफी ज्यादा मिलते होंगे, बहुत ज्यादा, तो पब्लिक रिएक्शन के लिए पूरी गाड़ी है अपनी। अभी बात करते हैं जैसे अपनी
70-80 लाख रुपए की गाड़ी है, तो ये सर्विस कॉस्ट इसकी क्या पड़ रही होगी? इसकी सर्विस कॉस्ट ही सबसे इम्प्रेसिव है कि इसकी बहुत ही कम है, मतलब बहुत ही कम है। क्या बात है ये भाई? मतलब बहुत शॉकिंग है। इस गाड़ी को देखकर कोई भी बंदा कहेगा कि लाख रुपए की सर्विस तक होती होगी, ऐसे भी कहते हैं लोग। रेंज रोवर वगैरह की 50-60 हजार की रेंज ओवर है ना, तो उसके बाद क्या नाम है, इसकी सर्विस मात्र साल में एक बार होती है, 15,000 रुपए के आसपास हो जाती है। सही बताओ भाई। लोग मतलब फॉर्च्यूनर ले ली चाहिए क्या? फॉर्च्यूनर एंडेवर में जो भी होता है वही सेम खर्चा है इसके सर्विस का, उससे ज्यादा कोई खर्चा नहीं है। क्या बात है। अगर आप लोगों के भी कोई सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा महंगी होती है, तो भाई ने बताया कि बहुत ही कम में होती है, मेरे को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। तो अभी जो सर्विस आप करा रहे हो, जैसे आपने बताया 15,000 अप्रोक्स एक साल में सर्विस कॉस्टिंग आ जाती है, तो अभी जो इसकी सर्विस है वो कंपनी में करा रहे हो बाहर करा रहे हो? नहीं, कंपनी में करा रहे हैं। फोर्ड अभी सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अच्छा, फोर्ड कर रही है अभी। हाँ, तो ये कंपनी की सर्विस कॉस्ट बता रहा हूँ, बाहर तो हमने भी आज तक कराई कराई नहीं है। बाहर कराने का कोई मतलब जो इतनी सस्ती सर्विस हो रही है अपना कंपनी में कराओ तो ज्यादा बेस्ट है। तो आप सारे भाई समझ गए। बाकी अब बात करते हैं जो ये गाड़ी होती है अपनी, जो सुपर कार्स वगैरह होती है, तो इनके अंदर जो पेट्रोल डलता है, बेसिकली इस फोर्ड मस्टैंग के अंदर जो आप पेट्रोल डलवा रहे हो, तो वो नॉर्मल पेट्रोल है, हाई स्पीड पेट्रोल है, कौन सा पेट्रोल इसमें डल? तो नॉर्मल भी जाएगा, बट रिकमेंडेशन एक्स्ट्रा प्रीमियम की है। एक्स्ट्रा प्रीमियम डलवाते हैं तो एवरेज अच्छा देती है, मतलब एवरेज अच्छा क्या, मतलब एक पॉइंट ज्यादा देती है एवरेज। अभी बताने वालों सबको, थोड़ी देर और रुक जाओ। तो एवरेज मतलब अच्छा देती है एक्स्ट्रा प्रीमियम डलाने से, और थोड़ी मतलब गाड़ी सही चलती है, ऐसा कुछ मान, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इंजन में कुछ आ जाएगा नॉर्मल से, ऐसा कुछ नहीं, बस एक्स्ट्रा प्रीमियम से क्या आपका एक पॉइंट ज्यादा रहेगा, ज्यादा रहेगा बस, वो थोड़ी एक मन की भी संतुष्टि हो गई है। ज्यादा फर्क तो है नहीं, 19-20 का ही फर्क, 19-20 का फर्क। तो बाकी अब सारी चीजें यहाँ पे कवर हम गाड़ी के अंदर कर चुके हैं। अब आप लोग जानना चाह रहे हो कि गाड़ी एवरेज बहुत, जो सबसे इस मस्टैंग के ऊपर जो सबसे बड़ा सवाल है ना, वो सब आप लोग जानना चाह रहे हो कि एवरेज, तो वो एक बार भाई से मैं पूछवाता हूँ कि गाड़ी एवरेज कितना दे रही होगी। भाई एवरेज बता दो, एवरेज बस एक यही खर्चा है, इसके अलावा और कोई खर्चा नहीं इस गाड़ी में। यही खर्चा है क्या बस? एवरेज नहीं देती, एवरेज देती है 3-4 का एवरेज बस। तो मतलब अभी मैंने जैसे भाई को बुलाया, तो अभी आप मतलब 2-3 हजार रुपए का पेट्रोल फूक गया है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। तो मतलब भाई देख रहे, एवरेज 3-4 का एवरेज है, वो भी पेट्रोल पे, एक्स्ट्रा प्रीमियम, तो सोचो तो कितना, मतलब गाड़ी मतलब कहीं ले जाने का मतलब है जेब में 5-6 हजार कैश खाली उसके लिए होना चाहिए पेट्रोल के लिए। बिल्कुल सही बात है। तो इसके अंदर जो अभी अपना पेट्रोल है पूरा, तो मतलब फुल कितना, कितने रुपए में फुल हो जाती है ये? हो जाती है 5.5-6 हजार रुपए के आसपास, 5.5-6 हजार रुपए में। जैसे आप अभी चंडीगढ़ बता रहे थे, चंडीगढ़ गए थे, वहां पे कितना खर्चा आ गया था? वो हाईवे का एवरेज इसका अच्छा है। अगर ये मतलब जैसे पुरानी बुलेट वगैरह की तरह जितना चलेगी, जितना गर्म होगा उतना एवरेज देगी। अच्छा अच्छा, रेगुलर चलेगी तो हाईवे पे तो ये दे देती है 9-10 तक का एवरेज दे देती है, दे देती। बट अगर आप सिटी में चलाओगे तो 3-4 का, ये भी एक्स्ट्रा प्रीमियम पे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो जैसे अभी हम इसका फुल टैंक करा दें एक बार, तो अभी ये फुल टैंक में कितना चल जाती ये है? सिटी में चलेगी 300 से 350। वो बहुत खींच के मतलब 300 से 350 बस चलेगी बस। तो भाई अपना भाई ने जैसे बताया, एक फुल टैंक होगा अपना 5-6 हजार रुपए में। हाँ। और अपनी 300 से 350 किलोमीटर चलती है, वही 3-4 का एवरेज निकालती है। सिटी में तो इतना ही है, हाईवे पे जाओ तो कितना देती है? हाईवे पे जाओगे तो 9-10 का एवरेज दे, 9-10 का एवरेज दे देती है। चलो फिर भी वहाँ थोड़ा आराम मिल जाता है, फिर 500-600 किलोमीटर चल जाती है, डबल हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। तो मेरे हिसाब से हमने यहाँ पे सारा सब कुछ बता दिया होगा गाड़ी के बारे में, बता दिया बहुत सारी चीजें भाई, लाइट्स वगैरह है, बहुत सारी चीजें। अगर ऐसे करते रहे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, वो एक प्रॉपर अलग से एक अपना रिव्यू मैं बता दूंगा गाड़ी के अंदर, सारी चीजें बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, वो आपको मिल जाएगी। बाकी अमित भाई आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बाकी भाई को ना एक बार इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो, एक बार अपना इंस्टाग्राम हैंडल बता दीजिए। मेरा है amit_yadav22। तो amit_yadav24 भाई को जाके ना एक बार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, थोड़ा सा जाके भाई को प्यार दिखा दो, थोड़ा सा नहीं पूरा पूरा ही दिखा दो। बाकी थैंक यू भाई, थैंक यू। तो थैंक यू व्यूअर्स, वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।